बड़ी सी होती है। सबसे पहले अपने चालू करते हैं कि डीवर्मिंग, कि डीवर्मिंग क्यों देना पड़ता है, वो सबसे पहले जरूरी है डीवर्मिंग। ये सब बाद में सब आएगा, इसीलिए भी बाद में आएगा, फूड भी बाद में आएगा। सबसे पहला जरूरी है जानवर को डीवर्मिंग देना। डीवर्मिंग में आप फर्मेंटेड जो भी दे सकते हो, आइवरमेक्टिन भी दे सकते हो, और उसके बाद फर्मेंटेड जो प्लस आइवरमेक्टिन भी दे सकते हो, क्रोसांटल भी दे सकते हो। अलग अलग चार प्रकार के ड्रग आते हैं, क्योंकि कोई मेडिकल से लाए कोई क्रोसांटल लाएगा, कोई आइवरमेक्टिन लाएगा, कोई फर्मेंटेड जो लाएगा। तीन तीन महीने ये फर्मेंटेड जो एक डेढ़ ग्राम की है, दूसरी डेढ़ ग्राम की है, एक हर तीन महीने के बाद दोनों एक साथ गोली जानवर को देनी है, और अगर छोटा है तो उसको एक ही गोली देनी है, और बड़ा हो उसको एक साथ दोनों गोली देनी है। फर्मेंटेड जो है, एक तो जो ब्रेन के कीड़े होते हैं वो साफ कर देगा, दूसरा जो गले के कीड़े होते हैं वो भी साफ कर देगा, तीसरा जो पेट में होते हैं वो भी साफ कर देगा, चमड़ी के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है छोटा छोटा दो चमड़ी के बीच में वो भी ये साफ कर देगा, और जो पेट के कीड़े साफ करेगा उसके बाद आप जो फीड देते हैं, अमूल का फीड है या मक्के की खल है कि भाई गेहूँ जो भी आप देते हो स्पाइसी, उसमें आता है प्रोटीन। ये क्या काम करेगा, जो पेट के कीड़े होते हैं वो प्रोटीन खा जाते हैं, उनका भी खुराक होता है प्रोटीन खा लेगा, प्रोटीन खा लेगा ना सिग्निफाएगा ना आपका जो फीड में इम्प्रूव होगा। मेडिसिन इसको ऐसे हिलाना है, कोई उसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, रेडी टू सॉल्यूशन है, इसे हिलाकर इसे स्प्रे करना है। अगर कोई जानवर ने चाट लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुद चाटता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। कोई जानवर ने अगर चाट लिया प्रॉब्लम नहीं है, सीधा इसके ऊपर स्प्रे लगा देना है, पास में से लगाना है, ऐसे पास से, दूर से ऐसे मत लगाना, उसके ऊपर मेडिसिन आ जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद कोरा कपड़ा वगैरह लेना है, उसके ऊपर लगा देना, जो चिचड़े वगैरह होंगे वो सब नीचे गिर जाएगा। अगर 20 दिन तक रहता है, कोई बोल रहा है कि 25 दिन तक रहता है, कोई बोल रहा है कि 30 दिन तक रहता है, पर उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा तो वापस आपको ये दवाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि जमीन में से आता है, जमीन में से तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनका हेयर होता है गाय में, भैंस में तो। उसके बाद अब अपने बात करते हैं कैल्शियम की, नहीं होगा 0.3 mm माइक्रो पार्टिकल्स में कंपनी चीज बनाई हुई है ये। दूसरी बात कि मैं भी उसको पी सकता हूँ आराम से। तीसरा कि बच्चा जब ब्याता है इसी टाइम पे चिकना एक लेयर बनता है, जब बाहर आने के टाइम उसमें भी हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फरस रहता है। चौथा बच्चा जो बच्चा बाहर आने के बाद माँ का दूध का सेवन करता है उसमें भी कैल्शियम और फॉस्फोरस हाई अमाउंट में रहता है। पांचवा फिर उसके बाद धीरे धीरे दूध पे आते हैं, उस दूध में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस हाई अमाउंट में रहता है। अगर कैल्शियम फॉस्फोरस आप नहीं देते तो क्या होता है, सबसे पहले फॉस्फोरस की डिफिशियंसी जब होती है तो जानवर हीट में नहीं आएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड, दूध किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन डिपेंडेंसी ऑफ फॉस्फोरस क्रोज मार्को और वोटर उसका दूध बना हुआ मेरा नाम साहब सिंह मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कठुए का ये जरा जहाँ प्रोग्राम रखे जे के एम पी एस सी की तरफा क्योंकि लोगों के डंगर की बहुत बीमारी है बीमारी वजह कन्नै है गुजरात का डॉक्टर साहब भी मंगवाए ने और लोगों है फ्री कास्ट दवा देने लिपी स्लिप उसके वास्ते जो लोगों की प्रॉब्लम दूर हो डर लोगों ठीक ठाक रोन तो जे के एम पी सी पूरे जोर शोर ने उनकी मदद कराए किसानों की फ्री कास्ट दवा है कोई कम से कम तो कोई 1.5 लाख बंडी चुके हैं टिकी तो अं चाहते हैं भी और भी प्रॉब्लम किसान बड़ी साढ़े एरिए जम्मू सैड एस एन एफ की बहुत प्रॉब्लम है तो वह एस एन एफ की वजह करना भी वो भी डॉक्टर पूरे समझा दे किसान भी लोगों ये पाउडर दो कैल्शियम दो जिदे वधिया रिजल्ट आंगन और रिजल्ट अच्छे आंगन तो लोगों का दुध भी महंगा बिक क्योंकि एस एन एफ महंगा बिक तो लोगों बेनीफिट होग अं जोर शोर ये चाहते हैं भी लोगों का भला होगा किसान लोगों का क्योंकि जे के एम पेशली बनी किसानों वास्ते यदा मेन मोटिव है भी किसानों का ही भला करना है किसान वधिया बदल फुलन अच्छे रेट लभन तो लोगों की खुशहाली होवे बहुत परेशानी साड़ी तो जी जिन्हें भी जे के एम पेशल ने सोसाइटियां जुड़ी दी उन्हें तो है फ्री कास्ट दवा दी बाकी कुदा दवा मिला ही नहीं है तो इस दवा करना लोगों की बहुत ही डंगरें की बहुत रिलैक्स लगा दा क्योंकि जिन्हें जिते भी बीमारी दी रोकथाम होआ दी है दवा ने रिजल्ट बहुत बढ़िया लोगों किसान है ही अपील करके ज़्यादा को ज़्यादा दवा साढ़े को लियो डंगर दियो बाकी डंगर भी साफ सुथरे अपनी खुरलियाँ खालियाँ जो भी है साफ सुथरे रखो डंगर ने तो डंगर वधिया दवा दियो। मेरा नाम साकिर साबूगर है मैं गुजरात से हूँ जी। डॉक्टर साहब बताएं आज जो कैंप लगा क्या देखते हैं कितनी मुश्किल है किसानों को ये सबसे यहाँ पर लिम्पी स्किन डिजीज़ जो अभी चल रहा है उसके लिए हमने निमोसराइड पैरासीटामोल सेरेड पेपरडाइस जो गोली दिया सबको उससे बहुत रिकवरी आई सबकी। दूसरी बात जो एसएनएफ का प्रॉब्लम है उसमें हमने चिलेटेड वेटोफिट करके जो पाउडर आता है वो दिया उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है डीएल मिथियोनाइन होता है उससे एसएनएफ भी बढ़ेगा फैट भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। उसके बाद हमने लोगों को जो थनेला जो रोग होता है उसके लिए समझाया जो अडरवेट गोली आती है इस कंपनी की तो जो थनेला रोग होते हैं उसके लिए भी सबसे बेस्ट में बेस्ट ये गोली काम में आता है। फिर हमने चिचड़े वाला स्प्रे सबको दिया को जो चिचड़े वगैरह हो जाते हैं उसके लिए भी वो काम में आएगा। फिर कैल्शियम हमने दिया सबको तो कैल्शियम से क्या है दूध और फैट का भी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा एसएनएफ भी बढ़ेगी उनकी जो अमुक डिजीज़ है ऑस्टोमलाइसिस है वगैरह डिजीज़ भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी उससे भी बेस्ट में बेस्ट उनको रिजल्ट मिलेगा। और डीवर्मिंग का भी हमने बोला सबसे पहले डीवर्मिंग करवाना ज़रूरी है तो डीवर्मिंग के भी गोली सब दे रहे हैं उसका भी हमने बोला और सबको दिया भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसानों के लिए क्या किसानों के लिए मेरी हिदायत ये जो मैंने गोली दिया लिम्पी स्किन डिजीज़ के लिए उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा किसानों के लिए। दूसरी बात कि किसानों के लिए जो उनका एसएनएफ नहीं आ रहा है तो एसएनएफ में जो मैंने मिनरल मिक्सचर पाउडर दिया उससे उनका एसएनएफ भी बहुत अच्छा बनेगा तो दूध भी क्वालिटी का बनेगा। क्या दूध अभी जो है एसएनएफ बढ़ाने के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं उसमें उनको मेरा सजेशन एक ही है कि जो फीड आता है फीड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो फीड अगर खिलाएंगे तो उनका एसएनएफ भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा और मिनरल मिक्सचर साथ में दोनों को कॉम्बिनेशन उनको देना है। सर जो आज कैंप लगाया गया है ये जो स्किन प्रॉब्लम है जो लंपी स्किन जिसको बोल रहे हैं उसके लिए हमारे सीओ सर ने जे के पेंसिल की तरफ से यहाँ जागरूकता कैंप लगाया गया है जो हमने नीम पेस नीम फार्मा से हमने डॉक्टर बुलाए गए हैं जो हमारे फार्मर्स को जागरूक कर रहे हैं और हमने फ्री कास्ट नीम पेस टेबलेट जो है लंपी स्किन की वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। जो फार्मर हमसे जुड़े हैं हमने उनको भी डिस्ट्रीब्यूट की है जो फार्मर हमसे नहीं जुड़े हैं हमने उनको भी ये फ्री ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे और डिमांड दी गई है हम